अस्सलाम वालेकुम, न्यूज एट फाइव के साथ मैं हूं अबीर हुसैन, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बिजनेस कम्युनिटी का एयरलाइन बनाना बड़ी पेशरफ, सियालकोट मुल्क एक्सपोर्ट का हब बनने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान का सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा कि निजी एयरलाइन से पीआईए पर परवाज कारकर्दगी बेहतर बनाने का दबाव बढ़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहां छोटा तबका अमीर और बाकी गरीब रह जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में एहतियात ना की तो ये सर्दियां बहुत मुश्किल से गुजरेंगी। कारोबार में आसानी के लिहाज से पाकिस्तान 40 पॉइंट्स खो चुका था। हम कारोबार में आसानी पर मेहनत करके 28 पॉइंट्स तक लेकर गए। वफाकी वजीर पैदावार हम्माद अजहर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। गुज़श्ता दौर हुकूमत में आलमी इदारों ने मईशत भी के हवाले से बात की। सियालकोट में जी एयरलाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया। इंसदादे बदनवानी के हवाले से आज गवर्नर हाउस कराची में सेमिनार मुनक्द हुआ। गवर्नर सिद्ध इमरान इस्माइल ने अपने खिताब में नैब की खदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि नैब के अफसरान इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ आमल है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना ने बारिशों के बायस जाबहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 1 लाख और जख्मियों को 25,000 रुपए फीकत मुआवजा देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि वजीर आजम को खत लिखकर मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए मुआवजा देने की दरख्वास्त भी करेंगे। वायरस से मजीद 60 अफराद जाबहक, जिसके बाद पाकिस्तान में अमवात की मजमू तादाद 8,547 हो गई, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेज की तादाद 4,26,142 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन इरादा शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,963 नए केसेज रिपोर्ट हुए। सराबगोट थाने की हदूद में वाक़े इलियास गोट के मकीनों और अफगान बाशिंदों के दरमियान तसादुम। दुकानदार से मामूली तल कलामी के बाद डंडा बरदार अफगानियों ने दुकान के मुलाजमीन और मुकामी लोगों पर हल्ला बोल दिया। हमले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बरवक्त इत्तला के मुताबिक पुलिस रिवायती सुस्ती का शिकार रही और जिम्मेदारान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में न आ सकी। शारतीफ ने पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले ग्रोह का सरगना है। गिरफ्तार मुलजिम मजबूर डिफेंस के इलाके में वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम शहर में मनुष्यात की सप्लाई में भी मुलविस था। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कराची और बलूचिस्तान में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 43 करोड़ रुपए मालियत की मनशिया। ईरानी डीजल और दीगर ममनू अशिया बरामद। 12 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। Thank you.
एस हेड क्वार्टर्स में फर्स्ट लेडी कमांडो शूटिंग मुकाबला मुनाकिद हुआ, जिसमें एसएसयू और सिंध रेंजर्स की लेडी कमांडोज ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीजी रेंजर सिंध उमर अहमद बुखारी मेहमान खसूसी थे, जबकि मुकाबले में एसएसयू की लेडी कमांडो ने पहली पोजीशन हासिल की। वीडियो लिंक के जरिए से जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब अख्तर जान मैनुल साहब ने शिरकत की। सबने बड़े आजम और बड़े हौसले के साथ इस बात का ऐलान किया कि 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास, इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तमाम जमातों के कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान को इस्तीफे पार्टी क्यादत को जमा कराने की हिदायत कर दी। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा। अपोजिशन की असेंबलियों से मुमकिन सीटों की धमकी, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन से ज्यादा पर एतमाद हूं और उन्होंने इस्तीफे दिए तो इलेक्शन करवा दूंगा। वजीर आजम ने अखबार के एडिटर से मुलाकात की और मुल्की हालात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि लाहौर जलसे की इजाजत नहीं दी, लेकिन रोकेंगे भी नहीं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटने की तजवीज दे दी। फवाद चौधरी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटना होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत को सियासी तौर पर कोई बड़ा खतरा नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि अदम इस्तेहकाम में बड़े फैसले नहीं हो सकते। शहरकायद हो जाए होशियार, दिसंबर के आखिरी 10 दिन के दौरान कराची में बारिश का इम्कान है। मौसम की खबर देने वालों ने मगरबी सिस्टम के बाद जुम्मे से पीर तक दर्ज हरारत में कमी की पेशगोई कर दी। पाक बहरिया, पाकिस्तान की बहरी हदूद और साहली मफादात के मुहाफिज, पाकिस्तान के दिफा में पाक बहरिया के मौजूदा और बुनियादी किरदार के पीछे कई शहदा और गाजियों की बेमिसाल शुजात की रवायात शामिल हैं। उन्हीं में 1965 पाक भारत जंग में दुश्मन पर धाक बिछाने वाली सबवरीन गाजी का दलेराना किरदार और 9 दिसंबर 1971 को हंगोर की गाजी बनकर सुरखरू होने की तारीख भी शामिल है। पाक बहरिया ने हंगोर डे के मौके पर खसूसी प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के साथ पाक बहरिया के अफदोस हंगोर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाब कामयाबियों को उजागर किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहिरा करते हुए 3 कश्मीरी नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर शहीद कर दिया। दूसरी जानेब जिला गलगाम के इलाके मालपुर में भारतीय फौज की गाड़ी ने जैफुल उम्र कश्मीरी शहरी को कुचलकर शहीद कर दिया। वाकये के बाद भारतीय फौज बासानी जावकों से फरार हो गए, वाकये को हादसा करार देकर दबा दिया। भारत काजल में मिलने वाला सबक सरकार सरवरी भूल गया, इसलिए दुश्मन ने एक बार फिर खत्ते के अम को तबाह करने के लिए सरगर्म। जराय का कहना है कि आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ है। लद्दाख और दो कलम में हजीमत के बाद मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार, हिंदुस्तानियों से हकायक मत छुपा, भारतीय मीडिया भी हट पड़ा।
کراچی بار ایسوسی ایشن میں سندھ کی ثقافت اجاگر کرنے کے لیے سندھی کلچرل ڈے انتہائی جوش اور جذبے سے منایا گیا. شرکا کا ہو جمال و پرہ مہمانوں کو اجزا کے تحفے پیش کیے. وکلا رہنماؤں نے کہا کہ امن اور محبت کی زمین سندھ ہے, جبکہ خوبصورت سندھی ٹوپی اجزا سندھ کی قدیم ثقافت کی علامت ہے. کرکٹ کے میدانوں سے اچھی خبر, کراچی میں پھر کرکٹ میلہ سجے گا. جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 14 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی. دو طرفہ سیریز میں شامل دو ٹیسٹ میچز کی میزبانی کراچی اور راولپنڈی کے سپرد کی گئی ہے. 3 T20 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے. مہمان ٹیم سیریز میں شرکت کے غرض سے 16 جنوری کو کراچی پہنچے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلانیہ. نیوزی لینڈ آمد کے بعد پاکستانی کرکٹرز نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا. پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم میں کھلاڑیوں نے کوئنز ٹاؤن میں پہلا ٹریننگ سیشن کیا. کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ اجاز احمد کی زیر نگرانی میں 3 گھنٹے تک میچ پریکٹس کر کے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی. Life is a road straight and narrow. Stay on the road, and it will take you safely home. It's gonna be taken over. It wasn't a robbery. Can you think of anyone who might want to harm you? This wasn't ordered. اور قتل کی تحقیقات کرنے والی اہلکار ہی قاتل نکلی. ہالی ووڈ کے سنسنی خیز فلم فیٹل کا ٹریلر جاری کر دیا. فلم 18 دسمبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی.